स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ खुशबू। दोस्तों, आज हम आपको बात बताने जा रहे हैं एक ऐसी निंदनीय घटना की जो उत्तराखंड के ऋषिकेश के जोग पंचायत की है, जहां देश और विदेशों में प्रसिद्ध सनातन धर्म के ग्रंथों के प्रकाशक गीता प्रेस के अंतर्गत संचालित होने वाली गीता भवन के प्रांगण में अवैध रूप से जेसीबी द्वारा तोड़ा कार्रवाई की गई। जी हां, जोग पंचायत प्रशासन द्वारा अपने निजी स्वार्थ के चलते तोड़ा कार्रवाई की निंदा चारों ओर हो रही है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आइए देखिए उज्जवल भारत समाचार से एडिटर इन चीफ रवि टुन्ना की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे उज्जवल भारत समाचार और मैं हूँ रवि टुन्ना। दोस्तों, आज हम एक खास मुद्दे पे आपसे बात करने आए हैं, और वो मुद्दा, वो घटना ऐसी है जो कि ऋषिकेश हरिद्वार की घटना है और बहुत ही निंदनीय घटना है। एक तरफ जहां पूरे देश में सनातन धर्म की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत है, चाहे सरकार हो चाहे लोग हों, वो सनातन धर्म को बचाने के लिए और खोज की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो भी सनातन धर्म से की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, चाहे मूर्ति हो चाहे सनातन धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसको बचाया जाए। इसमें एक नाम आता है गीता प्रेस गोरखपुर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और आज पूरे देश में, देश क्या आप विदेश में भी कह सकते हैं कि गीता प्रेस के द्वारा जो सनातन धर्म से रिलेटेड जो भी ग्रंथ हैं उसको सुदृढ़ अवस्था में और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के साथ और कम, जो एक कहते हैं ना कि लागत जो लगती है उस मूल्य में अच्छे क्वालिटी के साथ वो लोगों के पास आती है, लोग उसे लेते हैं, पढ़ते हैं, और वो जिंदा रखे हुए गीता प्रेस, जो मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे सामने गीता प्रेस के एक श्रीमद् भगवद् गीता जो किताब है वो हमारे पीछे आप देख सकते हैं। और जिस घटना की मैं बात कर रहा हूँ वो घटना है ऋषिकेश हरिद्वार, जो कि जोग पंचायत है, वहाँ गीता भवन एक संस्थान है, यही गीता प्रेस के अंतर्गत आता है, जिसके 6 भवन हैं। वहाँ लगभग पूरे देश विदेश से अनुयायी आते हैं सनातन धर्म के, और वहाँ पे लगभग 1000 कमरों की व्यवस्था है। और सबसे ख़ास बात है कि जो भी अनुयायी वहाँ पे जाते हैं सनातन धर्म को जानने और उसके विषय में रिसर्च करने और वहाँ रहते हैं, उनको बिल्कुल मुफ्त में सेवाएं दी जाती हैं, और बहुत ही सुलभ मूल्यों पर उन्हें महाप्रसाद, जो कि खाना होता है उनका, रहने के जो फ्री है, उसके बाद खाने की व्यवस्था की जाती है। सनातन, एक तरीके से हम कह सकते हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सनातन धर्म को संजो के रखने के मामले में अगर कहा जाए कि विश्व की अगर सबसे बड़ी संस्था है तो वो है गीता भवन, गीता प्रेस। अब हम जो जिस बात के लिए हम आपसे बात करने आए हैं वो जोग पंचायत, जो कि उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड में अभी अभी पुष्कर सिंह धामी, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की सरकार है, लेकिन हम जो ये गीता भवन जोग पंचायत में हैं तो वहाँ का जो नगर पंचायत है वो कांग्रेस के अधीन है, कांग्रेस की सत्ता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो एक गलत तरीके से फ़ायदा वहाँ उठाया जा रहा है कि 28 तारीख कल की घटना, आज 29 तारीख है, कल की घटना ये है कि गीता भवन का भवन नंबर 1 की जो रेलिंग है गेट के पास, वो रेलिंग एक रैंप की तरह थी और लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। कुछ दिनों पहले भवन के जो भी प्रबंधक हैं, पूरी टीम है, जो ट्रस्ट है, उनके तरफ से प्रबंधन समिति की ओर से उस रैंप को तोड़कर वहाँ पे सीढ़ी नुमा बनाया गया ताकि लोग वहाँ पे जब जाते हैं तो उनको सुविधा हो और आसानी से जा सके, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो, कहीं कोई फिसल ना जाए। तो वहाँ पे जब बनने के बाद लोगों में खुशियाँ व्याप्त हुई और लोग इस चीज़ की काफ़ी सराहना की। लेकिन कहते हैं ना कि बुरी नज़र जब किसी चीज़ पर पड़ती हो, चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ें हों, क्योंकि गीता प्रेस अपने आप में एक नाम है, गीता भवन, जो कि देश विदेश के सनातन धर्म के अनुयायी जो आते हैं वहाँ रहते हैं, निःशुल्क रहते हैं, और वहाँ पे अपना रिसर्च करते हैं और पूरे देश विदेश में जाकर ये सनातन धर्म के विषय में प्रचार प्रसार करते हैं। वहाँ के प्रबंधक को 27 तारीख की घटना है, एक लेटर भी है, हम आप स्क्रीन पे आप उसको देखेंगे भी हमारे उज्जवल भारत समाचार में, वहाँ कहीं ना कहीं शिकायत मिली थी, सूचना मिली थी कि उस वो जो सीढ़ी बनाया गया लोगों की सुविधा के लिए उसे नगर पंचायत के द्वारा तोड़ा जाएगा, जो भी वहाँ के एक तरीके से कह लें कि जो असामाजिक तत्व है वो तोड़ने की कोशिश करें। तो इसकी शिकायत लेकर वहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो वहाँ पे एसडीएम के पास
गए और वो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं और कुछ असामाजिक तत्व है, चाहे वो मिली भगत हो सकती है वहाँ की प्रशासन के, क्योंकि वहाँ तोड़ने की कोशिश की जाएगी, इसके लिए मैं आपको आवेदन देना चाहता हूँ, इसको कृपया करके रोका जाए। लेकिन परसों 27 तारीख को वहाँ के जो प्रबंधक हो, चाहे वो न्यासी हो, वो गए और जब रिक्वेस्ट किया तो SDM के द्वारा साफ तरीके से कहा गया कि नहीं, आज हम आपके इस आवेदन को नहीं ले सकते, आप परसों, यानी कि आज 29 तारीख को हम आप बात करें, आज आपको दो। लेकिन क्योंकि उनको पता था, कहीं ना कहीं उनको पता होगा SDM को कि ये घटना 28 तारीख को तोड़ी जानी है उनको, क्योंकि सबको एक तरीके से कह लीजिए कि अब साथ मिला कि ये घटना को अंजाम देने की बात होगी, तभी इसीलिए SDM ने उस चीज़ को लेने से मना कर दिया और 28 तारीख की शाम में उस जो सीढ़ी है पूरी तरीके तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया उस पर। और ठीक 28 तारीख यानी कल शाम के समय JCB मशीन के द्वारा, उसे हम बुलडोजर भी कहते हैं, उसके द्वारा तोड़कर सत्यानाश कर दिया गया। और जो भी हॉकर्स हैं वहाँ नहीं है तो उनका एक तरीके से, उनसे गलत तरीके से, चाहे कुछ भी, हॉकरों का जमौरा लगा दिया ताकि वहाँ पे आने वाले लोग जो अनुयायी हैं उनको परेशानी हो सके। एक आज ये जो सरकार उत्तर प्रदेश, जहाँ की गोरखपुर में गीता प्रेस है, तो वहाँ की एक ख़ास घटना है जो आप अभी आपने TV पे देखा होगा कि जो आदित्यनाथ योगी की जो सरकार बनी, वो बुलडोजर के नाम से मशहूर, वहाँ की जो सरकार है वो सरकार इसलिए बनी, दोबारा बहुमत में आई, क्योंकि बुलडोजर वहाँ भी चलता है आज भी, वो इसलिए क्योंकि जो भी अत्याचारी हैं, जो भी सनातन धर्म की ज़मीनें हैं, जगह हैं, ट्रस्ट के ज़मीन है, उसको अतिक्रमण करके जितने भी लोग वहाँ के सामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया, उस पर वहाँ की योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया और वहाँ जो भी जो गुंडा राज है उसको समाप्त किया। तो वहाँ पे बुलडोजर चला के सत्ता में आई और उसी दूसरी तरफ जिसे उत्तराखंड कहते हैं, जिस जगह की ये घटना है, उसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। और उस देवभूमि में आप कह सकते हैं कि ज़मीन है जो अनुयायी का और गीता प्रेस, गीता भवन की ज़मीन, जो कि लोगों की सुविधा के लिए वहाँ पे किया गया था, उस पे बुलडोजर चलाया गया गलत तरीके से, और एक मिली जुली जो कहते हैं माफियाओं की तरफ से उस भवन के ज़मीन पे बुरी नज़र, और इसमें वहाँ इतने शिकायत करने के बाद कोई उस पे अभी भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे व्यथित होकर हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ नटोर डागा जी हैं, जो कि सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत हैं, और हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि इन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत सारा कार्य करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं सनातन धर्म के लिए। और सबसे पहले डागा जी, नटोर डागा जी, हमारा आपका उज्ज्वल भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपके से यहाँ बात ये इस मुद्दे पे करने आए, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि जो कल बुलडोजर चलाया गया, और वो संस्था जो एक प्रकाश दिखाती है, रोशनी दिखाती है और लोगों को एक ये देती है कि आप सनातन धर्म को जानो, क्योंकि सर्वधर्म की देश है हमारे, यहाँ पे हर किसी को रहने का, लेकिन सनातन धर्म शुरू सदियों से चला आया है। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग व्यथित हैं, हमें पता चलता, तो उज्ज्वल भारत समाचार आपके पास है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो? राम राम जी। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। जैसे ही कल हमें पता चला कि ऐसा कुछ किया गया है, जो वहाँ के नगर पंच है श्री अग्रवाल, जो शराब व्यवसायी है, जिनके साथ में वहाँ के SDM मिलकर इस तोड़ू कार्रवाई को किया है, जो बहुत दुखदाई है, इससे बहुत पीड़ा हुई है जानकर। और गीता भवन, जिसकी आपने ऑलरेडी परिचय दिए कि गीता भवन या गीता प्रेस क्या है, तो गीता भवन और गीता प्रेस के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना या सुनने की ज़रूरत नहीं है, समाज और पूरा भारत देश इससे बहुत अच्छे से परिचित है कि गीता प्रेस ऐसी है एक संस्था जो गीता सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सदियों से प्रयासरत है, और आज इस परिस्थिति में ये काम हुआ है, जब एक तरफ हमारे देश के पंत प्रधान श्री मोदी जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी, ये लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और उसके विपरीत यहाँ पे देवभूमि में कांग्रेस के नेता द्वारा इस प्रकार का अतिक्रमण किया जाता है, जो वास्तव में पीड़ादायक है। आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा
कि 4-5 जून को देश के महामहिम श्री रामनाथ जी कोविंद एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गीता प्रेस में ही आने वाले हैं, तो संभवतः ट्रस्टी पदाधिकारी उन्हें इस बात से भी अवगत कराएंगे कि उनके साथ ऐसा हुआ। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो अतिक्रमण जिसने भी किया है, जिस जो भी उसके पीछे उसकी महत्वाकांक्षा है, उसको देखा जाए और दंड जितना कठोर से कठोर दंड दिया जा सके देना चाहिए, जिससे सनातन धर्म की रक्षा पे जो ठेस पहुंची है उस पर तुरंत कार्रवाई हो। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ। सर, ऐसे अनुयायी आप लोगों का बहुत संख्या है सब जगह, आपके और भी मित्र हैं जिनसे बात हुई होगी, उन लोगों का क्या इस पे रिएक्शन था? सबके अंदर बहुत रोष व्याप्त है, सभी लोग इस घटना से बहुत व्यथित है और सबका एक ही कहना है कि इस पे तुरंत शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूँगा, मैं इस पे आपको संस्थान के ट्रस्टी और जिनके अंडर में आज की डेट में गीता भवन और गीता आयुर्वेदिक संस्थान चल रही है, वो है श्री ईश्वर जी पटवारी, तो मैं हम प्रयास करके आप उनसे भी एक बार बात करिए। उन एक ही बात है आपके चैनल के माध्यम से कि इस पे कार्रवाई शीघ्रताशीघ्र होनी चाहिए। जाएगा तो आइए हम बात करेंगे ईश्वर जी पटवारी, जो कि गीता प्रेस के ट्रस्टी हैं और वर्तमान में गीता भवन एवं गीता आयुर्वेदिक संस्थान का कार्यभार संभाल रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे क्या बात हुई हम आपको दिखाते हैं। सर पटवारी जी। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं रवि टुन्ना बोल रहा हूँ उज्जवल भारत समाचार से। हाँ हाँ बोले। सर आपसे मुझे जानना है, क्योंकि ये जो कल की घटना हुई है गीता भवन उत्तराखंड ऋषिकेश में, जी जी, आप लोगों ने ये घटना हमारे पास आई चीजें, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप लोगों ने शिकायत की थी SDM से, तो क्या घटना है और आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? ऐसा है कि हमारे दरवाजे पे रैंप बना हुआ था जी, हमारी ही भूमि के अंदर, तो स्नान करके लोग आते थे तो कई बार फिसल जाते थे जी, तो इसलिए हमने वहां स्टेप्स बना दिए थे और जहां तक हमारी जमीन है उसकी सुरक्षा के लिए वहां की रेलिंग लगाई हुई थी जी। तो हमें परसों उस सूचना मिली, कुछ असामाजिक तत्व इसको तोड़ना चाहते हैं, वो वहाँ अपनी ठेलियाँ और वेंडर्स वगैरह, वहाँ काफी वेंडर्स हैं जी, उनको स्थापित करना चाहते थे, तो हमने पुलिस स्टेशन में भी एक लेटर दिया। ऐसी ऐसी बात सुनने में आई है तो आपकी जानकारी में दे रहा हूँ, सुरक्षा आप प्रोवाइड कीजिए। तो पुलिस स्टेशन बताया, कोई बात होगी हमें फोन कीजिएगा, हम तुरंत पहुंच जाएंगे जी। फिर परसों रात को SDM साहब से भी जो है, हमारे एडिशनल मैनेजर हैं, वो मिले, उनको बताया, तो बोले आप मुझे रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिएगा, तो मैं कल तो रहूंगा नहीं, परसों मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। तो उन्होंने कहा मैं अभी दे देता हूँ, बोले आप परसों दे दीजिएगा जी। तो परसों की नौबत नहीं आई, कल जो है वो शाम को घटना घट गई और ये घटना घट गई, और JCB ला करके उन्होंने हमारी रेलिंग उखाड़ दी, रेलिंग भी उठा के ले गए और हमारी सीढ़ियां भी तोड़ दी जी। और मतलब लगता तो यही कि SDM साहब पीछे नहीं थे और उनके इशारे पे, या जैसे भी जो कहीं ना कहीं एक आप लोग का अंदेशा है कि क्योंकि अगर आपने शिकायत किया तो उनको तो इमीडिएट वो लेटर एक्सेप्ट करके और उस पे अग्रसर करते, प्रेषित करते कार्रवाई के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आज का यानी कि आज 29 तारीख हम आपसे बात कर रहे हैं जी, जी, जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो गीता प्रेस पूरे वर्ल्ड में, क्या इंडिया और पूरे देश विदेश में सनातन धर्म को के लिए काम कर रही है और किसी परिचय का मोहताज नहीं है आप, और वहाँ पे गवर्नमेंट जो है भाजपा की है और जो जोक नगर पंचायत जिसके अंतर्गत ये भवन आता है, आप लोग प्रथम दृष्टया में ये कार्रवाई किया गया गीता भवन के खिलाफ, क्या हो सकता है, आप लोग ने इस पे क्या, आखिर क्यों ऐसा हुआ?
देखिए ऐसा है कि उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी समस्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बहुत छोटी छोटी हैं। जी हाँ जैसे यहाँ 3,500 वोटर्स पे नगर पंचायत है, बहुत 150 वोट भी मायने रखते हैं। पहले तो जो यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो येन केन प्रकारेण पब्लिक को कंफ्यूज करके चाहते हैं वो मॉब उनके साथ रहे, जी हाँ तो उनको किसी भी तरह अनड्यू बेनिफिट दे करके। तो जैसे हमारे यहाँ कर्मचारियों को वो बरगलाते रहते हैं, मतलब हमारी वहाँ आयुर्वेद औषधियाँ बनाने की फैक्ट्री थी संस्थान की, शासन ने हमें निर्देश दिया कि आप इसको नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट कर लीजिए। हमने शिफ्ट कर लिया और कई कर्मचारी वहाँ ज्वाइन भी कर लिए, हम आने जाने का उनको साधन भी प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा लेकिन इन नेताओं ने बरगला के काफी लोगों को वहां जाने ही नहीं दिया। ओहो तो मतलब मूल रूप में तो उनका नुकसान करते हैं, हाँ एक तरीके से हरास करते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी नौकरी भी समाप्त हो गई और क्वार्टर भी उनको खाली तो करना ही पड़ेगा, साल जी 6 महीना लिंगर कर ले, तो अल्टीमेटली उनका नुकसान करते हैं। लेकिन उनको सामने दिखता है हमारे साथ खड़े हैं, हमारा फायदा है। हमारे मैनेजर से इन्होंने मारपीट कर ली 9 मार्च को, अच्छा मतलब हमने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को प्रोवाइड भी करवाई। हाँ ये आप लोगों ने जो लेटर दिया उसमें ये चीज साफ लिखा हुआ है कि हाँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं हुई, जबकि सीसीटीवी फुटेज में एकदम क्लियर है कि वो माधव अग्रवाल आए हैं, आते ही सीधे उन्होंने मैनेजर को धक्का दिया है। अब 68 साल के बूढ़े आदमी को धक्का देंगे, उसमें जान कितनी है? वो गिर गए हैं, गिरने के बाद उनकी पिटाई की गई है, जी हाँ हाँ क्लियर दिख रहा है। मतलब एक तो होता है वाद विवाद होता है, कोई बात होती है, झगड़ा होता है, तो बातचीत से इसलिए वो चीज है वो, लेकिन इन्होंने आते के साथ आते अपना साथ और लोग कर्मचारियों से बातचीत हो रही थी, आते साथ इन्होंने धक्का दिया है और धक्का दे करके उनकी पिटाई की है और फिर चले गए हैं। बड़े ही शर्मसार करने वाली बात है कि एक बुजुर्ग जो कि लगभग 70 के आसपास के, हाँ और उनके साथ क्योंकि वो एक नगर के अध्यक्ष हैं, मतलब नगर जी पंचायत के अध्यक्ष हैं, जी उनके साथ कहीं ना कहीं ये शोभा नहीं देता, कहीं जी कोई मनसा उनके बीच में रही होगी। सर एक चीज और, क्योंकि गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष की भी बात हो रही है, राष्ट्रपति जी महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं, जी आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल है वो हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो क्या इसकी शिकायत अब जो एक घटना हुई तो आपको लगता है कि आप किससे आप शिकायत करें तो इस ऐसे घटना करने वाले के साथ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कुछ आप लोग बिल्कुल इच्छा बिल्कुल, हमने तो मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड के पत्र लिखा है, और आज योगी जी मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के, वो भी गीता प्रेस में आए थे, उनसे भी मैंने घटना बताई, तो उन्होंने भी कहा मैं इसको देखूंगा। तो देखिए गीता प्रेस के साथ सबकी सहानुभूति है, जी हाँ वो तो है सर और हम लोग गलत काम कोई करने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहते हैं। और वहां केवल आज आप कहीं भी चले जाइए, गरीब आदमी का शेल्टर जो है गीता भवन गीता ही भवन है। जी हाँ, क्योंकि वो मुफ्त पूरे तरीके से और अच्छे सुख सुविधा के साथ जी, दिए अब हुए जैसे किसी को भोजन के भी उसके पास तंगी है पैसे की, तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो वहां हमारे टिफिन उनको मिल जाते हैं 100 रुपए डिपॉजिट करने पे, जी हाँ और बासे से आप टिफिन ले लीजिए, एक टाइम का टिफिन उनके 2 टाइम आराम से पेट भर जाता है। जी, इतनी मात्रा में और शुद्धता के साथ आप जी जी लोग जी जी तो मतलब आम गरीब आदमी जो है उसका बहुत ही कम खर्च में गुजारा वहां हो जाता है। जी, एक तरीके से कहिए तो पूरा देश क्या विदेश में भी गीता प्रेस किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और इनका जो जी जी एक सनातन धर्म के उत्थान के लिए हमेशा कार्य करती है। सर पटवारी साहब, उज्जवल भारत समाचार के माध्यम से हम इस न्यूज़ को प्रेषित करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये खबर जो है वो पूरे शासन प्रशासन को जाए, मुख्यमंत्री तक जाए, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। आप उज्जवल भारत समाचार के साथ बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, राम राम। राम राम। तो सुना आपने, हमने ईश्वर जी पटवारी से भी फ़ोन लाइन पे बात हुई। क्या बात की आप लोगों ने सुना। ये ईश्वर जी पटवारी गीता प्रेस के ट्रस्टी हैं और वर्तमान में गीता भवन एवं गीता आयुर्वेदिक संस्थान के कर्ता धर्ता कार्यभार भी संभाल रहे हैं।
इनका साफ आरोप है कि कहीं ना कहीं जो पंचायत के जो पंचायत अध्यक्ष हैं अग्रवाल, उनकी उनकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं गीता भवन पे गलत है, और इसके कारण अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए एक जो सुविधा लैस जो बनाया गया था सीढ़ी, उसको बुलडोजर चला के जेसीबी चला के तोड़ा गया। और उज्जवल भारत समाचार की मुहिम है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की अगर अवैध कार्रवाई की गई हो, अपने प्रभाव का गलत दुरुपयोग किया गया हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि सनातन धर्म ही हमारे देश की जो पहचान है सनातन धर्म से है, तो ऐसे करने वाले जो भी पदाधिकारी हो, क्योंकि एसडीएम की भी अगर वो चाहते तो अगर जो गीता प्रेस के लोग गए थे और शिकायत अगर उन्होंने किया तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर निर्देश देते कि ऐसी चीज़ें ना हो। लेकिन नेक्स्ट उसके कल यानी कि 28 तारीख को ऐसी घटनाएँ हुई, बहुत ही निंदनीय है। उज्जवल भारत समाचार इसकी कड़ी निंदा करता है और हमारी सरकार और प्रशासन से यही दरख्वास्त होगी कि ऐसे दोषियों को कहीं कभी नहीं छोड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना ये होगा कि ये कार्रवाई किस हद तक शासन या राज्य सरकार इस पे कार्रवाई करती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।